यूपी के बलिया जनपद में गांधी चौक स्थित शाहिद पार्क में 1 नवंबर को बलिया स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। जनपद के आजादी के समय हिस्सा रहे सेनानियों के परिवार और जनपद के कई प्रतिष्ठित लोग समाजसेवी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। रंगोली और उस पर सजे मिट्टी के दियों से बलिया स्थापना दिवस लिखा गया लोगों के आकर्षण का केंद्र बना, जो किसी का भी मन मोह ले। बलिया गीत से कार्यक्रम में समा बांधा मौजूद संगीतकारों ने। आपको बता दें कि बलिया स्थापना दिवस क्यों मनाया जाता है। दरअसल बलिया 1 नवंबर सन 1879 में गाजीपुर से अलग हुआ। अंग्रेजों ने इसे लगातार अशांत रहने के कारण गाजीपुर से अलग कर दिया। 1942 के आंदोलन में बलिया के निवासियों ने स्थानीय अंग्रेजी सरकार को उखाड़ फेंका था। चित्तू पांडे के नेतृत्व में कुछ दिनों तक स्थानीय सरकार भी चली, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने वापस अपनी सत्ता कायम कर ली। मंगल पांडे से लेकर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर भी इस जिले के मूल निवासी थे। आपातकाल के बाद हुई क्रांति के जनक तथा महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण भी इसी जिले के मूल निवासी थे। समाजवादी चिंतक तथा देश में छोटे लोहिया के नाम से विख्यात जनेश्वर मिश्र आदि बलिया के तमाम वो लोग जो बलिया की आजादी का हिस्सा रहे, यहीं के निवासी थे। इन्हीं यादों के साथ बलिया के सबसे पहले आजादी में शामिल कई दिग्गज महापुरुषों को याद कर बलिया स्थापना दिवस मनाया जाता है। बलिया से शशि कुमार की रिपोर्ट।